सो व्हाट्सअप गाइस, आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप का फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग करना। तो दोस्तों, इस वाले वीडियो के अंदर आप लोग को फेस को स्मूथ करना एंड कैसे आप लोग अपने फेस को गोरा कर सकते हैं वो भी बहुत ही आसान तरीके से इस वाले वीडियो के अंदर आप लोग को बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस फोटो को शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग इसको ओपन कर लेंगे यहाँ से स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे इस ऐप में इसको ओपन कर लेना होगा एंड ओपन करने के बाद सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे नीचे टूल्स पर क्लिक कर देना है एंड इसके बाद आप लोग को ऊपर यहाँ पे ट्यून इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। और सबसे पहले क्या करना होगा, एम्बियंस को +50 के करीब रख लेना है एंड इसके बाद वार्म को +10 के करीब या 15 के करीब एंड इसके बाद इसको यहाँ से क्या करना होगा, सेव कर लेना है। तो सेव कर लेने के बाद फिर से क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे टूल्स पर क्लिक कर देना होगा एंड इसके बाद आप लोग को यहाँ पे ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड इसके बाद आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे सेकंड नंबर वाले ब्रश पर यानी कि एक्सपोजर पे क्लिक कर देना होगा और हम लोग इसको 0.7 पे रख लेंगे एंड इसके बाद क्या करना होगा, फोटो को जूम करके कुछ इस तरीके से इसको स्क्रीन पर अप्लाई करना है। तो आप लोग का वन क्लिक में कुछ इस टाइप का फेस पे गोरा हो जाएगा एंड आप लोग के फेस पे लाइट आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग को पूरे फेस पे यानी कि स्किन पे अप्लाई कर लेना होगा एंड इसके बाद क्या करना होगा, इसको यहाँ से सेव कर लेना है। तो सेव कर लेने के बाद फिर से क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे टूल्स पर क्लिक कर देना होगा एंड इसके बाद आप लोग को यहाँ पर आ जाना है और सेलेक्टिव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसको फेस पे कुछ इस तरीके से जहाँ भी ब्लैक निशान होगा वहाँ पे इसको रख लेना है। सर्कल को छोटा करके ब्राइटनेस को इंक्रीज करके कंट्रास्ट को कम कर देना है और सैचुरेशन को भी, ठीक है। एंड इसके बाद इसको यहाँ भी रख लेना होगा और ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेना है और इसके बाद क्या करना होगा, इसको यहाँ से सेव कर लेना है। तो सेव कर लेने के बाद फिर से क्या करना होगा, यहाँ पर नीचे टूल्स पर क्लिक कर देना होगा एंड इसके बाद आप लोग को यहाँ पर डबल एक्सपोजर पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक कर देने बाद यहाँ पर नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस बैकग्राउंड को ऐड कर लेने बाद यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसका ऑपोसिटी फुल कर लेना है एंड इसके बाद इसको यहाँ से क्या करना होगा, सेव कर लेना है। तो सेव कर लेने बाद फिर से क्या करना होगा, ऊपर उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा एंड इसके बाद यहां से व्यू एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक कर देने बाद फिर से नीचे यहां पे डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर देना होगा एंड इसके बाद फिर से ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और ब्रश पर क्लिक कर देने बाद क्या करना होगा, यहां पे देख सकते हैं 100 है, इसको 100 पे ही कर लेना है एंड कुछ इस तरीके से आप लोग को बैकग्राउंड को इरेज करना होगा। तो बैकग्राउंड को इरेज कर लेने बाद कुछ इस तरीके से फोटो को जूम करके इसके किनारे किनारे आप लोग बैकग्राउंड को इरेज कर लेना है, ठीक है। और इरेज कर लेने बाद आप लोग को क्या करना होगा, पूरा इरेज कर लेना है एंड इसके बाद आप लोग को नीचे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है और सेव कर लेने बाद फिर से क्या करना होगा, यहाँ से इसको हम लोग डन कर देंगे। तो डन कर देने बाद फिर से क्या करना होगा, इसी फोटो को शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम लोग इसको यहां से ओपन कर लेंगे ऑटोडेस्क यानी कि स्केच बुक अप्लीकेशन में। तो दोस्तों, इसमें जो भी सेटिंग बताओ सेटिंग आप लोग सही से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा एंड इसके बाद हम लोग इस वाले ब्रश का यूज़ नहीं करेंगे। तो आप लोग को यहां पे ऊपर आ जाना है, ट्रेडिशनल में आप लोग को बहुत सारा ब्रश देखने को मिल जाएगा तो आप लोग इस वाले ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड इसके बाद आप लोग इसका सेटिंग पर यहाँ पे क्लिक कर देना होगा और इसका सेटिंग को सही से देख लेना है। तो इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आप लोग को क्लिक कर देना है और इसके बाद आप लोग यहाँ पे स्मज वाले ऑप्शन पे इसको रख लेना होगा, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, देख सकते हैं यहाँ पे फ्लो जो है 5% पे है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंक्रीज करके 8% पे रख लेंगे एंड इसके बाद यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है 29% पे है, इसको भी कम करके 8% पे रख लेना है और फोटो को जूम कर लेना है, ठीक है। एंड इसके बाद आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और इसका साइज को कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लेना है, ठीक है।
और इसके फोटो को जूम करके कुछ इस तरीके से इसको ओनली स्किन पे आप लोग अप्लाई करिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का स्किन जो है काफ़ी अच्छे तरीके से स्मूथ हो रहा है और कहीं भी आप लोग को ब्लैक निशान देखने को नहीं मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग को पूरे फेस पे यानी कि स्किन पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे तभी आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आएगा। तो कुछ इस तरीके से पूरे स्क्रीन पे इसको अप्लाई कर लेना होगा। एंड अप्लाई कर लेने के बाद फिर से क्या करना होगा, इस फोटो को ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। एंड सेव करने के बाद फिर से इसी फोटो को शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग इसको ओपन कर लेंगे यहाँ से एडोब लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन में ओपन करने बाद सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे इस वाले ऑप्शन पे यानी कि लाइट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप लोग जैसे कंट्रास्ट को इंक्रीज कर लेना होगा, ठीक है। एंड इसके बाद आप लोग को यहाँ पे नीचे कलर पे क्लिक कर देना है और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं जो टिंट की वैल्यू है हम लोग इसको इंक्रीज कर लेंगे लगभग 12 के करीब और वाइब्रेंस को भी प्लस 14 के करीब। इसके बाद क्या करना होगा, ऊपर यहाँ पे मिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड आप लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे ग्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसका जो सेचुरेशन को इंक्रीज कर लेना होगा और ह्यू को हम लोग प्लस 40 के करीब रख लेंगे। एंड इसके बाद येल्लो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे ह्यू को पूरा प्लस 100 के करीब और सेचुरेशन को प्लस 40 के करीब। इसके बाद दोस्तों इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग यहाँ से ल्यूमिनेंस को इंक्रीज कर लेंगे और ह्यू को कम कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद सेचुरेशन को भी आप लोग अपने फेस के हिसाब से कम कर लेना है और इसको यहाँ से डन कर देना होगा। और डन कर देने बाद फिर से नीचे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सबसे पहले क्लियरिटी को इंक्रीज कर लेना होगा और इसको टेक्सचर को कम और इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे और विजनेट को कम कर लेना है। इसके बाद आफ्टर बिफोर करके आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद ऊपर शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग इस फोटो को सेव कर लें।